हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मई करंट अफेयर्स। और आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ठीक है, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, आज के कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में UGC नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया था, ठीक है, कर दिया, जिसने अस्थाई पदों को आवाधिक यानी आधिकारिक पद के रूप में बदल दिया। नियमों के अनुसार कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनका मूल कार्यकाल क्या था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 साल। अब चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं, ये है क्या, ठीक है। तो देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हम बोलते हैं UGC के नियमों में 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया, जिसने 5 साल के आवधिक, ठीक है, आवधिक पदों को अस्थाई पद में बदल दिया। इसके बाद प्रिंसिपल 5 साल के बाद भी सेवा कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाल ही में UGC ने विश्वविद्यालयों के परीक्षाओं और अकादमिक कैलेंडर के लिए दिशा निर्देश जारी किए, क्योंकि COVID-19 के प्रकोप के बीच नियमित सत्र प्रभावित हो सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार फ्रेशर्स के लिए शैक्षणिक सत्र सितंबर से शुरू हो सकता है और अगस्त में पंजीकृत छात्रों के लिए सत्र शुरू हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CWMA, यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो प्रश्न यही है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA का गठन कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था, तो 4। अब देखिए, तो देखिए विस्तार से यहाँ हम एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारत सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA का गठन 2018 में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो CWMA था, यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, जिसने गठन 2018 में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारा किया गया, इस विवाद का समाधान किया गया था। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे CWMA भी कहते हैं, जो पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा का कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था और आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो ये CWMA का बंटवारा किया गया था, ये राज्य जो थे वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में हुआ था। क्लियर। अगला आपका प्रश्न है कि 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे MGNREGS भी कहते हैं, ठीक है, MGNREGS के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है, तो वो है छत्तीसगढ़। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो एक आधिकारिक बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना, ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MGNREGS के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। देश भर में AMNREGRA के तहत कार्यरत कुल 77.85 लाख मजदूरों में से 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है,
मजदूर है जो कुल श्रमिकों का 24% है। राजस्थान कुल मजदूरों की संख्या 14% के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश के कुल मजदूरों की संख्या 12%। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ के मजदूर है, ठीक है। तो ये अपना जो यूपी है वो तीसरे स्थान पर है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे टीएस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में सुर्खियों में रहे टीएस त्रिमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है। हाल ही में सुर्खियों में रहे टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये जो ये आपके टीएस त्रिमूर्ति है इनको फिर से जो वैश्विक यानी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा हम विस्तार से देख लेते हैं। तो अनुभवी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत के राजदूत रहेंगे वैश्विक, उसके बाद वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय सचिव यानी आर्थिक संबंध के रूप में सेवारत हैं। वह सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे जो इस महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस नियुक्ति से पहले त्रिमूर्ति ने भारत के विदेशी मामलों के कई प्रमुख पदों पर कार्य किए हैं। तो आप देख सकते हो जो आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टी एस त्रिमूर्ति जी हैं उनको अब संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। अब देखिए लास्ट आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है, तो हेमा भराली का, ठीक है। अब इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी हेमा भराली का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने 2005 में पद्मश्री, 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, पुरस्कार और असम सरकार से राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो ये आज के कुछ करेंट अफेयर्स थे जो कि बहुत ही आईएमपी हैं, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ये जो करेंट अफेयर्स की टाइमिंग होगी वो सुबह 5 बजे की टाइमिंग होगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।